From the dust, I was born to the dirt I shall. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेगी परिवार में। और आज हम लोग आए हैं निजामुद्दीन वेस्ट ऑफ वंडर। वेस्ट ऑफ वंडर इसका नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर तरह तरीके के नमूने बनाए गए हैं वेस्ट चीजों से। तो चलिए, वो क्या बनाए गए हैं वो हम अंदर जाके ही पता करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अंदर जाके पता करते हैं क्या क्या चीजें बनाई गई है वेस्ट चीजों से। चलिए, वहाँ वीडियो अगर अलाउ होगी तो हम जरूर वीडियो बनाएंगे। चलो चलते हैं फिर। एक्चुअल में जो वेस्टेज होते हैं, स्क्रैपर जो होते हैं, उससे ये चीजें बनाई गई हैं। जैसे कि ताज ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, विश्व के जो सात आश्चर्य हैं, इसमें ये एक ताजमहल हो गया और फ्रांस का एफिल टावर हो गया, ये सारी चीजें बनाई गई। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं और इन चीजों का वो आपको भी इन चीजों के दर्शन करवाते हैं। चलिए देखते हैं अंदर। ये आपके सामने आप देख रहे हैं, ये मिस्र का पिरामिड है। आपने अपने स्कूल्स के बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा मिस्र के पिरामिड। इजिप्ट मिस्र में इस तरह के पिरामिड बने हैं जो कि विश्व के धरोहर और विश्व के आश्चर्यों में गिने जाते हैं। इस पर कहीं सारे लिखा भी होगा, देखना पड़ेगा। चलिए चल के देखते हैं। ये बताएंगे मिस्टर लक्ष्य, पीसा की मीनार है। ये है पीसा की मीनार, जैसा कि लक्ष्य जी ने बताया है। ये है पीसा जी की मीनार। पीसा जी की मीनार नहीं, इटली में है पीसा, पीसा की मीनार नाम। दोस्तों ये है पीसा की मीनार, ये भी विश्व के धरोहर में से एक है, यानी कि विश्व के जो आश्चर्य है सात आश्चर्य उनमें से एक है। इस मीनार की विशेषता यह है कि यह जमीन से सीधी खड़ी नहीं है, ये जमीन से थोड़े से झुकी हुई है। और ये तो जनरल नॉलेज में एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पीसा की मीनार झुकी होने के बावजूद भी गिरती क्यों नहीं है। तो इसका एक है, इसका लाइन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होता है बिल्कुल सीधा होता है, उसकी वजह से ये गिरती नहीं है। I was born to the dirt I shall return when my eyes are closed in the shadows. My enemies will think they won, but I'm here to stay. और अब हम बढ़ेंगे आगे। फ्रांस में जो एफिल टावर है उसका जो रेप्लिका है यहाँ पर, फ्रांस का एफिल टावर का दर्शन आपको भारत में ही हो जाएगा। एफिल टावर, दिस इज कॉल्ड एफिल टावर, आपने पिक्चर्स वगैरह में तो देखा ही होगा एफिल टावर। ये रहा आपका एफिल टावर। Skill 1 to 10, she 100. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it. She got a lot of weight in her luggage, and shorty ain't bluffing. She might snap on you like it's nothing. Everything I thought I knew is redundant. Explosive temper. I hear smoke detectors. If I don't surrender, she might hold a lecture. Every apology's a token gesture. I'm sorry, baby. I don't know no better. You get mad when I show no effort and turn. फ्रांस के पेरिस शहर में है एफिल टावर, ये उसी का रेप्लिका है। स्क्रैप से बनाया गया है, लोहे के जो स्ट्रैप है उससे बनाया गया है।
वो जा रहे छोटू से सेंटा, आप देख सकते हैं कैसे जा रहे हैं, देखो नाटक। मिस्टर लक्ष्य जी ये क्या है, मुझे भी नहीं पता इसके बारे में, क्या आप मुझे बताएंगे? अभी चलते आगे देख बताते हैं। ये कोलोजियम, ये भी इटली के शहर में। ये भी जो है विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य है, देखने लायक चीज़ है। लाखों टूरिस्ट यहाँ पर हर साल, लाखों टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इटली शहर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग भी वहाँ का टूर पैकेज बनाते हैं, तो हमें इसका आइडिया है। काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और हम लोग इंडिया में रहते हुए इसके रेप्लिका को देख सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि आज संडे है, वैसे अगर मंडे यहाँ क्लोज रहता है, सैटरडे सॉरी ट्यूसडे टू सैटरडे यहाँ की टिकट होती है 50 रुपीज़ पर पर्सन, एज होती है 12 to 65 years, और आज संडे है जैसा कि आपको पता ही है, तो आज की टिकट जो है डबल हो जाती है, 100 रुपीज़ पर पर्सन हो जाती है। अब हम जो है विश्व के 7 अजूबों में से उस अजूबे के पास आ रहे हैं, ये उसको देखने जा रहे हैं जो कि हमारे ही देश में है। यस, आपको अच्छी तरह पता है ताजमहल, जी हाँ, आगरा का ताजमहल, तो वो अब उसके हम देखने जा रहे हैं, आपको भी उसका दीदार कराते हैं। तो चलिए देखने चलते हैं ताजमहल को। ऑफ कोर्स वो ताजमहल जैसा वाइट कलर का तो नहीं है, पर उसी के जैसा दिखने वाला एक स्कल्पचर यहाँ पर बनाया गया है, तो उम्मीद करता हूँ आप उसको भी इन्जॉय करेंगे। और कभी अगर दिल्ली आपका आना हो तो आप भी इस छोटे से ताजमहल को, नकली ताजमहल को देख सकते हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं ताजमहल के। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के सौजन्य से ये बनाया गया है, और काफ़ी लोग आप देख सकते हैं, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ इसको देखने आते हैं, टूरिस्ट की काफ़ी भीड़ है। सर रेप्लिका ऑफ ताजमहल, ताजमहल आगरा में भी एक छोटा सा रेप्लिका इसका एक और है, जिसको हम बेबी ताज नाम से जानते हैं, तो अब यूँ कह सकते हैं ये बेबी ताज है, बेबी ताज भी कुछ ऐसा ही दिखता है। ताजमहल से आपको एफिल टावर का व्यू भी यहाँ से दिखाई देगा, एफिल टावर यहाँ से दिखाई दे रहा है, ब्यूटीफुल। और एक सामने लिटिल सेंटा दिखाई दे रहा है, लिटिल सेंटा क्या है, सेंटा एक लिटिल सेंटा ये भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखने को मिलता है देखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, काफी टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, संडे वैसे काफी भीड़ है। एमसीडी वालों ने काफी वेजिटेशन काफी अच्छा किया हुआ है यहाँ पर, पेड़ पौधे, ग्रीनरी, हरियाली काफी अच्छा है। और चलिए अब आपको दिखेगा बहुत ही फेमस, आज 25 दिसंबर भी है, ये देखिए आपको क्या दिखेगा सामने, जीसस। जो भी क्रिश्चियन है उसको हैप्पी मैरी क्रिसमस, तो गॉड जीसस के पास हम खड़े हैं, तो हमें जो भी मनोकामना करनी है वो हम कर सकते हैं, प्रेयर करनी है कर सकते हैं। तो चलिए जो भी आप वीडियो देख रहे हैं आप प्रेयर कर लीजिए।
और अब ये स्टेच ऑफ लिबर्टी, अब ये स्टेच ऑफ लिबर्टी है, ये इसके यहाँ पर कुछ इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर किस किस चीज़ों से ये बनाया गया है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया गया है, टायर ऑफ रिम, रिक्शा के पार्ट से, साइकिल चेन से, पाइप्स एंड पार्ट से, एंड पार्क रेलिंग पार्ट से। तो इन चीज़ों से ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया गया है। फ्रेंड्स ये क्रिसमस के लिए सजाया गया है पेड़, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों ये है इंद्रप्रस्थ पार्क है, बेसिकली ये पूरा बहुत बड़ा पार्क है, इंद्रप्रस्थ पार्क है, दिल्ली के सराय कालेखा और निजामुद्दीन के पास में ही है। जब कभी आपको दिल्ली आना हो तो आप यहाँ के देख सकते हैं ये वेस्ट ऑफ वंडर्स को। वेस्ट ऑफ वंडर्स जो है सारे वेस्टर्न चीज से बनाया गया है, जिसमें कि जो विश्व के सात अजूबे हैं, ताजमहल हो गया, पीसा की मीनार हो गया, स्टेच ऑफ लिबर्टी हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वेस्टर्न से बनाई गई हैं। तो कभी अगर दिल्ली आना हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी बेसिकली क्या है, ये पार्क जो है आज 25 दिसंबर है, तो ये 25 दिसंबर के फर्स्ट में ये पूरा पार्क सजाया गया, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं पूरा ये। लेकिन इसका जो मज़ा है देखने वो अभी रात के समय पर आएगा, अंधेरे में आएगा, क्योंकि जब लाइटनिंग होगी तो बहुत ही प्यारा ये दृश्य आएगा। लेकिन शायद हम क्या पता रात का शूट यहाँ पर ना कर पाए, क्योंकि हमें काफ़ी देर हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो आवास है यहाँ से द्वारका बहुत दूर पड़ता है, करीब एक डेढ़ घंटे का यहाँ पर रास्ता है, और ऊपर से बाइक में जाना है तो ठंड बहुत, काफ़ी ठंड है, शायद हम रात का शूट ना कर पाएँ, लेकिन अगर टाइम मिले तो हम ज़रूर इसको शूट करेंगे। शायद हम घूमते घूमते यहाँ रात हो भी जाए तो हम देख भी सकते हैं इसको, आपको दिखा भी सकते हैं कि लाइटिंग में ये कैसा लगता है, क्योंकि अभी हमें और जगह भी घूमना है, इस यहाँ पर अभी हमने पूरा देखा नहीं है। तो जैसे कि सर्दी है और रात जल्दी ही हो जाती है तो अंधेरा शायद होने भी लगा है, तो देखते हैं अगर अंधेरा हो जाता है और लाइटिंग के साथ हम आपको ये वीडियो दोबारा से दिखा देंगे। अभी ये झरना देख करके हमको ना अपने पहाड़ों की याद आ गई, हमारे पहाड़ के जंगलों में भी इस तरह का झरना बस में हमको दिखाई देता है, ये तो खैर मैन मेड है, लेकिन हमारे यहाँ तो प्राकृतिक रूप से झरने हमको दिखाई देते हैं। हम लोग बहुत खुशकिस्मत है कि हमने उत्तराखंड में जन्म लिया है। जय देवभूमि उत्तराखंड। ये उजाले में इतना अच्छा लग रहा है, अगर यहाँ पर लाइटिंग होगी तो ये और भी खूबसूरत लगेगा, लेकिन अगर हम रुक सके लाइटिंग तक तो आपको जरूर दिखाएंगे वीडियो दोबारा से लाइटिंग के साथ। बट अभी हमें और भी देखते हैं, घूमते हैं वहाँ पर, अगर कुछ दिखता है हमें और लाइटिंग के साथ हम देख सकते हैं तो देख सकते हैं। हमारे हमें हमें अपने उत्तराखंड की याद आ गई है, और इस पानी को देख के ठंड भी लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सर्दी है। ये देखिए मंकी ने बल्ब पकड़ा हुआ है, ये रात को जलेगा बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों ये था आज का वीडियो, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो वेस्ट ऑफ वंडर्स इन दिल्ली नियर सराय कालेखा और निजामुद्दीन, तो यदि आपको कभी दिल्ली आना हो तो यहाँ आप जरूर विजिट करें।
अच्छी जगह है, प्यारी जगह है, बच्चों के स्पेशली बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है, तो आइएगा और ज़रूर देखिएगा। तो आज का हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और जिन लोगों ने जिन दोस्तों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब जो आपका सब्सक्रिप्शन है वो हमारे लिए बहुत वैल्यू करता है, बहुत मैटर करता है। तो यही तक था ये सफ़र, और अब हम लाइटिंग के साथ अनफॉर्चुनेटली आपको दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन कभी हुआ कि हम लाइटिंग रात को अगर हम इसका विजिट करेंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। अब हम जा रहे हैं तो हमें आज्ञा दीजिए, तो चलते हैं, हमारा घर बहुत है दूर, हमें बहुत जल्दी जाना है, तो चलिए चलते हैं, बाय गाइस।